अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफ्ताब मिना सर जी डी स्टूडेंट। द टॉपिक है जी नेचुरलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से क्या मुराद है, क्या मतलब है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ इसमें देखते हैं। कहता है वी कैन सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शन। हम जो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं बाय रिमूविंग उसके रूट फ्राम द डिनोमिनेटर। तो जब भी रैशनलाइजेशन की बात होगी तो उससे मुराद ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में हमें स्क्वेयर रूट नज़र आ रहा है उसको रिमूव करना है, उनको रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करते हैं, वी कैन डू दिस बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम स्क्वेयर रूट। तो हमारे पास जैसा कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट 3 आ रहा है, तो स्क्वेयर रूट 3 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी के साथ डिवाइड करवाएंगे। तो इसी जब ऐसा करेंगे, जैसे ये देखें, स्क्वेयर रूट 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड भी करवाया, जब मल्टीप्लाई करवाया तो 2 स्क्वेयर रूट 3 आ गया, और जब डिवाइड करवाया तो स्क्वेयर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर इसका डबल हो गया, स्क्वेयर रूट से कट गया तो इधर आ गया 3। तो यहाँ पर उसने यही बात की कि रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने से मुराद ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट नज़र नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट नज़र नहीं आ रहा। जब नज़र ना आए तो ये हम क्या, इसको क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।